हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि बिरयानी राइस कैसे बनाते हैं। जो हम बिरयानी में लेयर लगाते हैं, जो भी पहले ग्रेवी बनाते हैं, फिर बिरयानी का राइस जो होता है वो हम डालते हैं, तो बिरयानी राइस को बॉईल कैसे करें वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और पानी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च हमने बीच में से काट करके इसको हमने डाल दी है, और थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। इससे फ्लेवर जो है राइस में बहुत ही अच्छा आता है, और मिर्च, हरी मिर्च से जो है तीखापन आता है हमारी बिरयानी में। तो अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 तेज़पत्ता हमने ले लिया है, इसको हम डाल देते हैं। और यहाँ पर हमने 5 से 6 हरी इलायची, काली मिर्च, जीरा, लौंग और शाहजीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी, और यहाँ पर हमने थोड़े से मेस ले लिए हैं जिसको जावित्री बोलते हैं, और एक यहाँ पर हमने स्टार एनिस यानी स्टार फूल ले लिया है हमने। इन सबको भी हम डाल देंगे। खड़े मसालों से जो है चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें अब हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इस पानी को छान लेना है, तो इसलिए हम नमक ज़्यादा डालेंगे इसमें, ताकि इसका फ्लेवर जो है चावल में अच्छी तरीके से नमकीन हो जाए चावल। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, ताकि चावल जो है वो आपस में चिपके नहीं और अच्छे से खिले खिले चावल जो है अच्छे से बने। तो इन सबको अच्छे तरीके से चलाते हुए हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और पानी में अच्छा सा हम बॉईल आने देंगे या अच्छे से गर्म हो जाने देंगे पानी को, फिर तभी चावल डालेंगे इसमें। तो पानी तो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बॉईल हमें इसमें आने नहीं देना है, ऐसे ही हमें चावल को डालना है। तो यहाँ पर चावल को धोकर हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, आप चाहें तो 30 मिनट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने यहाँ पर 1 किलो चावल ले लिए, इसको धोकर हमने भिगो दिया था, तो अब हम इसको पानी में डाल देते हैं और इसको हम पकने देंगे। तो अब हम इसको एक बार अच्छी तरीके से चला लेते हैं, ताकि नमक और चावल जो है वो आपस में मिक्स हो जाए, इसको नमक का फ्लेवर जो है और मसालों का फ्लेवर जो है वो चावल में अच्छी तरीके से आ जाए। तो अब हम इसको ढक्कन लगाकर पकने देंगे, ताकि इसमें अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए, तो ढक्कन लगाना ज़रूरी है। तो ढक्कन हम इसमें लगा देते हैं, बॉईल आने देते हैं इसमें, 2 से 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और चावल में जो है अच्छा सा बॉईल आ चुका है, और चावल भी अध पके हो चुके हैं, आधे पक चुके हैं चावल। तो हम चावल को चेक कर लेते हैं, चावल हमें कितना पकाना है। तो हमें इसको 75% यानी कि 75% इसको हमें पकाना है बिरयानी के लिए। तो अभी तो आधा ही पका है चावल, थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं, ढक्कन लगा देते हैं और फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिरयानी राइस का जो चावल जो है बिरयानी का, वो ये अच्छी तरीके से 75% तक कुक हो चुका है, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इतना बिरयानी के लिए ठीक होता है, आप चाहें तो 70% भी इसको पका सकते हैं। और ये दम लगा, जब बिरयानी में दम लगता है तो ये चावल जो है अच्छी तरीके से पक जाता है। तो चलिए इस चावल को हम अच्छी तरीके से छलनी में छान लेते हैं। तो इस छलनी में हमने चावल को छान लिया, और हमारा बिरयानी राइस जो है बनकर तैयार है। इससे आप पुलाव या बिरयानी या फ्राइड राइस कुछ भी बना सकते हैं, और ये हमारा बिरयानी राइस जो है बनकर तैयार है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये बिरयानी राइस की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।